आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, और इस वक्त हम चैप्टर नंबर 6 इसका अपने मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8605 है, और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, और मैं आपके साथ मोहम्मद सफर खान मुखातिब हूँ। तो आए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ये क्या है जी। एजुकेशनल डील्स विद ऑल राउंड डिवेलपमेंट ऑफ अ पर्सन, एंड इट इज राइटली सेड दैट अ साउंड माइंड डिवेलप्स इन अ साउंड बॉडी। यानी कि एक साउंड माइंड जो है वो एक साउंड बॉडी में डिवेलप होता है, ये एक कहावत है जो कि हमें एजुकेशनल डिवेलपमेंट से डील करते हुए हासिल होती है। आगे क्या है, फॉर दिस पर्पज सम फिजिकल रिसोर्सेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड डीज आर कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैथड्स करिकुलम एंड एग्जामिनेशन। यानी कि बहुत अहम तरीन जो हैं ये जुज़ हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, मैथड्स, करिकुलम और एग्जामिनेशन जो है इन पर खासी अहमियत दी जाती है। आगे के दीज रिसोर्सेज आर ऑब्जर्व्ड एज द सपोर्टिंग सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल कंपोनेंट्स विच आर फुलफिल्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इसको अच्छी तरह से फुल किया जाता है सपोर्ट के साथ। आगे सो एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रिंसिपल्स, हेड्स और सुपरवाइजर शुड नॉट इग्नोर द मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्स। इग्नोर जो है प्रिंसिपल जो है हेड के या सुपरवाइजर्स को जो है ये मैनेजमेंट को और के रिसोर्सेज को इग्नोर नहीं कर सकते। आगे के स्कूल प्लान्स, हॉस्टल्स, डिस्पेंसरीज, लाइब्रेरी, एवी एड्स, इंस्टीट्यूशंस, मटीरियल्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड अबाउट दीज एस्पेक्ट्स द प्रिंसिपल मस्ट अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। यानी कि प्रिंसिपल को जो है ये जो जैसे प्लांट्स हैं, हॉस्टल है, डिस्पेंसरी है, लाइब्रेरी है, यानी एवी एड्स मतलब ऑडियो वीडियो विजुअल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मटेरियल सब के सब जो है ये प्रिंसिपल को प्रोवाइड करने पड़ते हैं अपने स्कूल में, ताकि उन्हें अच्छा जो है स्टूडेंट्स का जो है वो रिजल्ट मिले। आगे के ही मस्ट फैसिलिटेट है स्कूल विद डीज फैसिलिटी, यानी कि उन्हें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। आगे के फॉर दिस पर्पज़ एजुकेशन फाइनेंसिंग एंड बजटिंग थ्रो लाइट ऑन हाउ वी कैन अचीव आवर मैक्सिमम टारगेट्स विद इन आवर वैल्यूएबल रिसोर्स। यानी कि जो हमारे पास फाइनेंस है और जो हमारा बजट है, इसके अंदर रहते हुए हमें कैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज को मैक्सिमम जो है इस्तेमाल करना है। आइए स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, वो क्या है जी। नंबर वन पे टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल, यानी कि हम सबसे पहले देखें कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल है क्या। फिर नंबर टू पे के टू डिस्क्राइब द लर्निंग रिसोर्स, हम डिस्क्राइब करेंगे लर्निंग रिसोर्सेज को। नंबर थ्री पे के टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल फाइनेंसिंग, हाँ फिर हम जाएंगे एजुकेशनल फाइनेंसिंग है क्या। फिर क्या है टू डिफाइन द बजट एंड इट्स रोल, फिर हम डिफाइन करेंगे बजट को और उसके रोल को। तो आए स्टूडेंट्स बकायदा आगाज करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले जी फिजिकल एस्पेक्ट, स्कूल बजट एंड हॉस्टल एट्सेट्रा, इसमें क्या आता है, इट हैज़ बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स दैट एजुकेशन इज कंसिडर नॉट मेरली विद द माइंड ऑफ द प्यूपल बट ऑल्सो विद हिज बॉडी। यानी कि इंसान जो है, यानी ये जो स्टूडेंट्स जो हैं इनकी जो है बॉडी जो है कि और इनके सिर्फ इस्तेमाल तब हो सकते हैं उनके माइंड खुले हुए हों जब उनके एजुकेशनल रिसोर्स उन पर सेवरल टाइम्स इस्तेमाल हुए हों। दिस फैक्ट इम्पोज ऑन द स्कूल सर्टन ड्यूटीज, जिसमें स्कूल के बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ भी इस्तेमाल होती हैं विच आर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि इसमें कुछ अच्छे असबाब भी हैं कुछ बुरे असबाब भी हैं। फिर ऑन द नेगेटिव साइड इट मस्ट बी सीन दैट नथिंग अबाउट द स्कूल इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ हेल्थ, यानी कि स्कूल के जो है सबसे अहम तरीन चीज़ है बच्चे की हेल्थ होगी तो बच्चे पढ़ पाएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फिर जी ए पे अब सबसे पहले हम देखते हैं नीचे द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग्स में क्या चीज़ है। द सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन स्कूल प्लान प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग आर, वो क्या है जी, द टीम अप्रोच टू प्लान, की टीम अप्रोच कैसे करेगी प्लानिंग के। फिर है इंक्रीज साइज एंड मोर स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्पेसिस, यानी इंस्ट्रक्शनल स्पेसिस और जो इंक्रीज कैसे की जाए। फिर है फ्लेक्सीबिलिटी इन डिज़ाइन, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डिज़ाइन किया जाए स्कूल की बिल्डिंग का, उसमें क्या है कंसर्न फॉर शेप एंड फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग, शेप और फॉर्म कैसे बिल्डिंग की हो। फिर है यूज़ ऑफ द लार्ज साइट, कैसे आप ज़्यादा ज़्यादा साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है बी जो कि है द साइड ऑफ द स्कूल, ये क्या है अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर
केयरफुल एग्जामिनेशन इन सेलेक्टिंग आ साइट आर, वो क्या नंबर वन पे, द सराउंडिंग, सराउंडिंग कैसी है, अच्छी है या बुरी है, इसको खास तौर पे देखना कि वो फ्रेंडली हो स्टूडेंट्स के लिए। फिर है नंबर टू पे द कंडीशंस एज टू नेचुरल ड्रेनिंग एंड ऑर्डिनरी लेवल ऑफ द ग्रोथ ग्राउंड वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर पानी हो और ड्रेनेज सिस्टम भी सही हो ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की भी। फिर है नंबर थ्री पे द नेचर ऑफ द सॉइल एंड सब सॉइल, यानी कि सॉइल भी जो है, यानी चलने फिरने का जो तरीका वो है तर्ज, वो भी ठीक हो, यानी कि ना बच्चे गिर जाएँ, कोई ना चोट चोट लग जाए, उसका भी खास ख्याल रखना होता है ये जब आप स्कूल बना रहे हो। फिर है नंबर फोर पे द एस्पेक्ट एंड इवेल्यूएशन, एस्पेक्ट इवेल्यूएशन उसका देखना होता है, फिर उसको बनाना है। आगे हॉस्टल, ये क्या नंबर वन पे, द नीड एंड यूटिलिटी ऑफ आ हॉस्टल, क्यों हॉस्टल की अहमियत है जब कोई स्कूल बना रहे हो, उसके अंदर क्या है जी। नंबर टू पे द हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बच्चों का ख्याल रखना है, उनको तकलीफ नहीं देनी, उनको टाइम पे हर चीज़ करनी है, उनका कोई गलत सलत काम हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सुपरिटेंडेंट की होती है, वो चेक एंड बैलेंस रखे। आगे क्या नंबर थ्री पे मेसिंग एंड इट्स सुपरविजन, यानी कि मेसिंग खाना बच्चे सही खा रहे हैं कि खाना जो है वो मिलावटी तो नहीं है, खाना जो फूड पॉइजनिंग तो बच्चों को नहीं हो, यानी खाना जो है उसकी जो है वो जो उसका जो स्टैंडर्ड है वो इस तरह हो कि बच्चे जी सकें मर ना सकें, बस इस चीज़ों के जो है फूड की जो है इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए, ये भी एक सुपरवाइजर का काम है जो कि पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन जो कि अक्सर हम यहाँ देखते हैं कि जो हॉस्टल के खाने होते हैं वो इतने मुफीद नहीं होते, उसमें मिलावट होती है और चोरी चकारी की जाती है, और इसलिए भी थोड़ा बहुत है, लेकिन इस इशू को भी जो है हॉस्टल हमें पता चल रहा है कि इसको रिजॉल्व करना है। आगे जी हमारे पास आ रहा है मेथड ऑफ लिविंग ऑफ द स्टूडेंट्स, ये कैसे मेथड, बच्चे कैसे कमरों में अपने हॉस्टल रहते हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर, अकोमोडेट कितने, 4 बच्चों का कमरा है, 3 बच्चों का कमरा है, 2 बच्चों का कमरा है, 1 बच्चे का कमरा, वो सारा कुछ जो है वो भी एक सुपरवाइजर का काम है देखना। फिर है नंबर फाइव पे अल्टीमेट एंड रेगुलेशन, उसका अल्टीमेट और रेगुलेशन में क्या काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारा भी सुपरिटेंडेंट का काम होता है। फिर है जी सिक्स पे हेल्थ एंड की हेल्थ एंड गेम्स, हेल्थ भी वहाँ पे हो और गेम्स भी खेली जाए, क्रिकेट फुटबॉल जो भी है, और यानी बैडमिंटन वगैरह सब चीज़ें, हेल्थ का भी ये है कि उनकी हेल्थ देखी जाए, बच्चा कमज़ोर तो नहीं हो रहा है, जैसे कोई बीमारी तो नहीं है, कोई यरकान काला यरकान तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है, या कोरोना वायरस तो नहीं है, सारा हेल्थ के जो है इश्यूज़ देखे जाते हैं, फिर बच्चों के साथ रखा जाता है ताकि कहीं और बच्चे बीमार भी ना हो जाए। आगे क्या है जी, या मलेरिया नहीं, कुछ भी बहुत सारी बीमारी है, फिर है जी, और अगर है तो उनका इलाज करना, फिर वापस वो हेल्थी बच्चा हो। आगे जी नंबर सेवन पे ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द हॉस्टल, ऑर्गेनाइज कैसे हॉस्टल को किया गया है, वो उसका सारा जो कि तर्ज उसका मेयारी हो। आगे नंबर एट पे कि हॉस्टल बजट बाई बिल्डिंग, हॉस्टल की बिल्डिंग जो हो वो एक अच्छी बनी हुई हो और अकोमोडेट हो, ये ना बदबू वहाँ से आए और गंदगी वहाँ पे हो, साफ़ सुथराई का ख्याल वहाँ रखा जाए, ये चीज़ होती है हॉस्टल की बिल्डिंग को एक सही जगह पे, एक सही लोकेशन पे हो, ये भी हॉस्टल की बिल्डिंग की बात है। आगे क्या, और पुरानी बिल्डिंग ना हो, कमज़ोर ना हो, ये ना हो छतें टूट रही हैं, सारा कुछ देखा जाता है, और ये सारा सुपरिटेंडेंट का काम होता है चेक एंड बैलेंस करना। आगे के नंबर नाइन पे इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट भी यही है कि जो बच्चे हैं लोग हैं वो सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं, कोई बेच तो नहीं रहा कोई अपने कमरों में, कोई यहाँ पे डबल गेम तो नहीं चल रही, और कोई सुपरिटेंडेंट या कोई और भी इन्वॉल्व, या कोई उन्हें शहर तो नहीं दे रहा, या कोई बाहर से लोग तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारा जो है इंटरनल मैनेजमेंट का ही काम होता है, जो कि इससे हम बुराइयों को रोक सकते हैं। फिर है जी वरना बुराइयाँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं। आगे के नंबर टेन पे रजिस्टर्स में लिखा जाए स्टूडेंट कब आया है घर से, कब जाएगा, और कब उसने मैस बंद करवाने, मैस चलाने, ये सारा का सारा रजिस्टर्स में लिखा जाता है, और कौन सी कमरे में किस चीज़ की कमी पेशी है, यानी कि किसी पंखा नहीं चल रहा, वॉशरूम का कोई मसला है, तो उसमें भी रजिस्टर लिखा जाए, कंप्लेंट रजिस्टर जिसे कहते हैं, तो उससे भी सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। आगे स्टूडेंट चलते हैं लर्निंग रिसोर्सेज पे, इसमें क्या है नंबर ए पे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है वो दी जाती हैं कि किस तरह से सारा काम करना है, उसमें क्या जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन ऑब्जेक्टिव के तहत पे चल के हमें अपने गोल्स को हासिल करना है। फिर नंबर टू पर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन से जिनके ऊपर चलना है, और तो उसमें क्या दिया हुआ है हमें एवी एड्स यानी ऑडियो वीडियो विजुअल के जरिए बच्चे ज़्यादा अच्छा लेक्चर समझते हैं, तो इसका भी ख्याल रखते हैं। फिर है द वैल्यू ऑफ ऑडियो विजुअल वे टू लर्न, इसकी क्या लर्निंग में इजाफा होता है,
बच्चे जो जल्द से जल्द जो है लेक्चर को समझ जाते हैं, बनिस्बत कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आगे क्या जी, ऑडियो वीडियो एड्स गिव अ वैरायटी ऑफ क्लासरूम टेक्निक, क्लासरूम टेक्निक्स में भी इजाफा करते हैं। मैनी ऑफ दीज एड्स प्रोवाइड द चाइल्ड विद अपॉर्चुनिटीज टू हैंडल एंड मिनोपलेट, यानी कि कैसे काम को हैंडल करना, मिनोपलेट करना, ये भी इसमें होते हैं। फिर नंबर 4 पे अवॉइड विजुअल एड्स स्पोर्ट द कंटेक्स्ट फॉर स्कूल फॉर साउंड एंड स्किलफुल जनरलाइज जनरलाइज, फिर स्किलफुल जनरलाइजिंग किस तरह से हासिल करनी, इसमें इसको भी देखा जाता है। फिर है जी ऑडियो वीडियो एड एजुकेशन चाइल्ड फॉर लाइफ इन द मॉडर्न कम्प्लेक्स वर्ल्ड में भी जो है इसका किस तरह से यूजेज जो है, जब वो कभी सोसाइटी में जाए और बल्कि वेस्टर्न जाए तो उनको वही चीज़ें नजर आए जो वो यहाँ पे सीख के गए पाकिस्तान से या किसी भी और गरीब मुल्क से। आगे कह जी ऑडियो वीडियो एड्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल, यानी कि बाहर जैसे पढ़ाया जाता है उस इंटरनेशनल के मैार को भी हम अपने गरीब ममालिक में भी जो है इस ऑडियो वीडियो के जरिए भी मेंटेन कर सकते हैं, ये भी एक शॉर्टकट है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, ये है जी ड्राइंग बैक्स, ये क्या है जी ऑडियो विजुअल आर नॉट द पैनिक क्रिया फॉर ऑल इंस्ट्रक्शनल इल्स, यानी ये हर मसले का हल ऑडियो वीडियो वीडियो एड्स नहीं है। फिर ऑडियो वीडियो एड्स आर नॉट एड टू टीचिंग, ये सिर्फ टीचिंग नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी इसके ज़रूरियात हैं। फिर ये ऑडियो वीडियो एड्स आर नॉट द एंड बट मीन्स, इसका ऑडियो वीडियो का मतलब ये नहीं कि एंड ऑफ स्टोरी है, इसका मतलब ये कि अभी इससे इसका सिर्फ ये कि थोड़ा सा बच्चों को आगाही हो जाए उन चीज़ों के बारे में जो एक आम टीचर स्कूल में नहीं बता सकता। आगे के ऑडियो वीडियो एड्स आर नॉट डिजाइन टू एम्यूज द पीपल रात, इस ये नहीं होता कि बच्चों को जंग लगाना है ऑडियो वीडियो में ही फंसा के, ये भी एक चीज़ है। आगे जी हम चलते हैं स्टूडेंट्स, ये टाइप्स ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स, क्या किस्मों के ऑडियो वीडियो एड्स होती है। नंबर 1 पे आ रहा है ऑडियो एडिट थ्रू द एयर ऑर्डिनरी, यानी कि ऑडियो के जरिए बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ समझ आए कि भाई कुत्ते कौवे की आवाज़ या ऐसी जानवरों की आवाज़ जो उनको नहीं पता, या दिल की धड़कन कैसे चलती है, या कोई फेफड़े कैसे चलते हैं, हर चीज़ के बारे में ऑडियो के ज़रिए जो है पता चलता है। इससे बच्चों को आगाही होती है, उन्हें रोशनास वो होते हैं कि भाई कि किस चीज़ की क्या क्या साउंड है। फिर नंबर पे ऑडियो थ्रू द आई विजुअल, यानी कि जो वीडियो होती है उसमें बच्चे और ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें देखते हैं, भाई शक्ल किस तरह की है, कोई जानवर होते हैं नायाब होते हैं उनकी शक्ल वीडियो के विजुअल में पता चले। फिर नंबर 3 पे ऑडियो थ्रू द आई एंड एयर ऑडियो, यानी कि जैसे दिल के अंदर की जो चीज़ें हैं और जो एयर के अंदर की चीज़ें, ऑडियो और विजुअल से ज़्यादा अच्छी तरह से जो है डॉक्यूमेंट्री से उसके ज़्यादा अच्छी तरह समझिए, किसी इलाके में कोई चीज़ है नायाब चीज़ है उसकी डॉक्यूमेंट्री से भी ऑडियो वीडियो में भी इजाफा होता है। फिर है जी ए में साउंड मोशन पिक्चर, साउंड मोशन पिक्चर से भी इजाफा, फिर टेलीविजन टेलीविजन के प्रोग्राम से भी बच्चों को सीख मिलती है। फिर ऑडियो एड्स थ्रू एक्टिविटीज़, एड्स थ्रू एक्टिविटीज़ से भी फिर बहुत फ़ायदा होता है। फिर एडा स्कूल जर्नी, स्कूल की जर्नी यानी कि वो इधर से उधर जो है वो टूरते फिरते हैं और उनको जो है ट्रेवल करवाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि भाई फलानी फैक्ट्री में काम कैसा होता है, उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं, या किसी पार्क में लेके जाते हैं उससे भी बच्चे जो जर्नी से बहुत कुछ सीखते हैं, तो इससे भी बच्चों के अंदर ना एक खुद मुख्तियार एक मोटिवेशन और एक स्किल आता है। फिर है द ऑब्जेक्टिव स्पेसिमन एंड मॉडल कलेक्शन, मॉडल कलेक्शन में भी बड़ा इसका फ़ायदा होता है। फिर नंबर 5 पे क्या है मिसलिनियस, मिसलिनियस जो है ये बातें हैं उसमें क्या है जी ड्रामाटाइजेशन, यानी कि ड्रामा एक्टिंग कैसे करनी, आर्ट कैसे करने, आर्ट एंड कल्चर को सीखते हैं बच्चे ऑडियो वीडियो के जरिए। फिर है जी बुकलेट्स का बारे में पता चलता है। फिर है जी न्यूज़ एंड मैगजीन, न्यूज़ और मैगजीन्स के बारे में भी जो है ये ऑडियो विजुअल के जरिए पता चलता है। आगे स्टूडेंट समझाते हैं ये द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में की अहमियत क्या है, वो है द वन यूटिलिटी ऑफ द लाइब्रेरी, यूटिलिटी कैसे यूटिलाइज किए, कैसे ज़्यादा ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में सर्व किए जिससे बच्चे सीखे और उनकी किताबों से जो एक फ्रेंडशिप हो जिससे बच्चों का दिमाग खुलता है। आगे क्या जो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द लाइब्रेरी, ऑर्गेनाइज कैसे लाइब्रेरी हो कि हर बच्चा जो किताब पढ़ना चाहता है उसे किताब फौरी मिल जाए, उसके लिए लाइब्रेरियंस को बहुत अच्छी तरह से जो है किताबें सही सेट करके रखनी पड़ती है। फिर है जी पूरा और आजकल ये हम सॉफ्टवेयर और बड़ा अच्छा यूज है, बच्चा फलानी किताब पे गया फलानी लाइब्रेरी तो लाइब्रेरियन बता दे इस शेल्फ में इस जगह पर किताब है तो बच्चे को फौरन मिल जाती है, इससे टाइम ज़ाया नहीं होता। फिर है जी क्लास लाइब्रेरी, क्लास में लाइब्रेरी एक होनी चाहिए, इससे भी बहुत जल्दी जो है बच्चों को अपनी टेक्स्ट के तरीके से किताबों का
पता चल जा रहा है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ बुक। क्लासिफिकेशन ऑफ अरेंजमेंट जो है वो होनी चाहिए। फिर है जी रीडिंग रूम। रीडिंग रूम होना चाहिए जिसमें बच्चे जो है ज़्यादा ज़्यादा बैठ के वक्त पढ़ें, जिससे उनका दिमाग खुलेगा। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है एजुकेशनल फाइनेंसिंग। एजुकेशन फाइनेंसिंग में क्या है जी, इंट्रोडक्शन है इसका कि एजुकेशन फाइनेंसिंग क्या है। फिर है कि हु पे फॉर एजुकेशन, कौन एजुकेशन को पे करता है। इसमें क्या इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल। एक तो ये कि इंस्टीट्यूशन किताबें खरीदती है कि घर वाले बच्चों को खरीद के देते हैं, जिससे जो उनकी पेमेंट होती है एजुकेशन, यानी टेक्स्ट बुक कुछ भी। फिर है जी लेवल्स ऑफ डिसीजंस मेकिंग इन द फाइनेंस ऑफ एजुकेशन। कौन जो डिसीजन मेक करता है एजुकेशन में। सोर्सेज ऑफ एजुकेशन फाइनेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किसकी एजुकेशन में होता है, वो आपकी गवर्नमेंट करती है या प्राइवेट स्कूल में जो है वो घर के इंडिविजुअली करते हैं। फिर है जी नंबर 3 पे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फाइनेंसिंग। क्या एजुकेशन फाइनेंसिंग की अहमियत है। इससे बहुत ज़्यादा जो है आपकी जो है तालीम जो है उसको हासिल करना आसान हो जाता है अगर फाइनेंसिंग हो जाए। वरना कुछ किताबें खरीदना हर बच्चे के लिए आसान नहीं होता, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर है जी ये फ़ोटो कॉपी करा ले, ये भी एक इससे भी आसान तरीन है। और या स्क्रीन शॉट ले ले। काफ़ी सारे और भी आजकल नए नए जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए एजुकेशन फाइनेंसिंग के ऊपर कम बर्डन आए। फिर है जी नंबर 4 पे फोर्सेस विच अफेक्ट द डिमांड फॉर एजुकेशन। कौन सी ताकतें हैं जो एजुकेशन फाइनेंसिंग पे जो है हमला करती हैं या उसके ऊपर रुकावट डालती हैं। वो है नंबर 7 पहले जी सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ चीज़ें मानी जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मानी जाती। कुछ गैर अखलाकी होती हैं, कुछ वेस्टर्न होती हैं जो सोसाइटी में नहीं मानी जाती। रिलीजन। रिलीजन में कभी कोई मुसलमानों के लिए कुछ और है, गैर मुस्लिमों की चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ाई जाएंगी, तो वो काफ़ी सारे इसमें इश्यूज़ है। फिर पोलिटिकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ चीज़ें मानती हैं, कुछ चीज़ें। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ इंडस्ट्रीज जो फाइनेंस पे पैसे लगा रहे वो कहते हैं हमारी मर्जी का काम हो या हमारी मर्जी का ना हो, इसमें भी वो रुकावट डाल से। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, पॉपुलेशन भी एक्सेट्रा, इसमें चीज़ें आ जाती हैं। आगे स्टूडेंट्स कहते हैं बजटिंग। ये क्या है कंसेप्ट ऑफ बजटिंग। ये क्या है, अ बजट इज़ अ प्लान ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन एम्बॉडिंग एन एस्टिमेट ऑफ द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर अ गिवन पीरियड एंड पर्पज एंड द पर्पज मीन ऑफ फाइनेंसिंग टीम। इससे जरिए जो है ये पूरे का पूरा फाइनेंस जो है ये चलता है। फिर है जी पर्पज ऑफ बजट। क्या है पर्पज बजट का, वो क्या टू प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक बजट चाहिए होता है, ताकि हर बजट के हर डिपार्टमेंट के हिसाब से उसे बजट अलॉट किए, ताकि पूरा सिस्टम चल सके आगे के। जो एडवांटेजेस ऑफ बजट, ये कि एक्शन बेस्ड इन बजट, एक्शन बेस्ड बजटिंग जो है उसको दिया जाए क्या देने। फिर पॉलिसीज आर एडिक्वेटली एस्टेब्लिश, एडिक्वेटली फ़ौरन ही बना लिए जाते। फिर है जी फंक्शन ऑफ बजट। फंक्शन क्या है बजट का, फॉर डेलीगेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी के लिए इसकी अहमियत है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, ये द फिस्कल फंक्शन आर कॉमनली रिकॉग्नाइज। फिस्कल फंक्शन कॉमनली रिकॉग्नाइज। इसमें नंबर 1 पे क्या जी, द स्टैंडर्डाइज फंक्शन। स्टैंडर्डाइज फंक्शन होना चाहिए कि जिसके एक मैार तरीके से चले। नंबर 2 पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। हर हर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर जो फील्ड है उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट, या रिसर्च के लिए अपना और जो स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए अपना फील्ड हो, हर एक के लिए अपनी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने। आगे के नंबर 3 पे एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन की जाए वही बात की किसी प्लांट्स लगाने, पौधे लगाने हैं, कोई ट्रिप पे बच्चों को लेके जाना है, और या बुक्स टेक्स्ट बुक्स देनी है, इस पर सारे एलोकेशन। फिर नंबर 4 पे टैक्सेशन। टैक्सेशन में ये आ रही है कि क्या आपका जो स्कूल है जो चल रहा है इसमें क्या टैक्स पे कर रहा है, ये गवर्नमेंट का यानी प्राइवेट है या क्या है। तो ये सारी की सारी इस चीज़ में इसमें आते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है जी फेजेस ऑफ बजटिंग। बजट इसमें क्या है जी, फेज़ 1 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम्स। आइडेंटिफाई प्रोग्राम्स को, या प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ टू अकम्प्लिश ड्यूरिंग द बजट प्रॉब्लम बजट पीरियड। बजट पीरियड में कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो चलानी है, ये सारा इसमें होता है। फिर है जी फेज़ नंबर 2, आइडेंटिफाइंग ऑफ द रिसोर्स में, इफ टर्म ऑफ द मैन पावर, मैन मनी, मशीन मशीन एंड मटीरियल। इसमें तीनों मैन मशीन आप सब इस्तेमाल। फिर देर आर टू बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन सच एंड यूनिट एज मैन मशीन एंड ए वीक ऑफ अथॉरिटी ऑफ मैन एंड क्वान्टिटेड ऑफ मटीरियल। फिर फेज नंबर 3 इसमें के कॉस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। फिर है फेज नंबर 4 इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। प्रेजेंटेशन आपने प्रिंसिपल को देनी होती है, फिर आपको पैसे मिलते हैं, फिर या स्टेक होल्डर्स को।
फिर वो पैसे अलॉट करते हैं कहाँ इस्तेमाल हो, ये ना हो कि कहीं गलत जगह इस्तेमाल हो जाए तो आपके पैसे कम हो जाए और बजट में मसे। फिर है फेज़ 5, फिर है ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, अप्रूवल भी देना पड़ता है, तब जाके कोई अथॉरिटी पैसे अप्रूव करती है, तब आपके बजट में कोई काम आपका होता है, कोई सर पैर निकलता है। तो फी अमानुल्लाह, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 अख्तिताम पज़ीर होता है। बीएड का कोर्स नंबर 8605 था। मेरे चैनल मोहम्मद सबका खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मिस्टर के लिए आपके लिए एजुकेशन वीडियोस बना सकूं, और इस चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह साहब का हमें नासिर हो। गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम, मुझे दुआ में याद रखिएगा।